नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज सुबह की इस रिपोर्ट में। तो 2020 से 23 सेशन के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए आज की ये खास रिपोर्ट है। जैसा कि आप सभी ने कल बताया कि लगभग छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भर लिया है और आपको कमेंट भी करने के लिए भी कहा गया था, तो आप सभी ने बताया कि हमने भर लिया अपना परीक्षा फॉर्म। और अभी जितने भी परीक्षार्थी बच गए हैं जिन्होंने अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है उन सभी के लिए कोई भी तिथि नहीं निकाली जाएगी, ऐसा परीक्षा नियंत्रक ने जो है लास्ट जो है घोषणा कर दिया है। कहा था कि लास्ट आखिरी 30 तारीख तक मौका दिया गया, क्योंकि एक महीने तक परीक्षा फॉर्म भराया फिर भी कई छात्रों ने अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। और अभी कई छात्रों के कमेंट मैंने देखे कल भी कि हमने अपना जो परीक्षा फॉर्म नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो ये लोग कहाँ रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं पता नहीं है। एडमिशन कराने के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी चीज़ को भूल जाते हैं, वैसे भी यूनिवर्सिटी भी छात्रों को भूल जाती है, लेकिन जब छात्र भूलने लगेंगे यूनिवर्सिटी को तो फिर तो वही है। तो बात यही आती है कि जैसे छात्र वैसी यूनिवर्सिटी, तो ऐसे छात्रों के लिए कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। कई छात्रों ने कल ये भी कहा था कि ऐसे जितने भी छात्र हैं ये तो कमाने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, जिनको सिर्फ डिग्री से मतलब है, बहस है। और बात कहीं ना कहीं सही भी है, डिग्री बटोर के रख लेना है, बाकी क्या करना है, आगे शादी ब्याह करके दहेज वहेज लेना है और अपना ज़िंदगी ऐसे ही यापन करना है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसा कि सुनने में आया था कि कई छात्रों ने दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन ले लिया था, तो हो सकता है वैसे छात्र भी बच गए होंगे। तो जैसा कि रिपोर्ट बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट है कि 14,000 छात्रों ने नहीं भरा परीक्षा फॉर्म, और अभी तक के जो फॉर्म भरने का आंकड़ा है वो है 86,638, और नियमित छात्र जो है भर चुके हैं, और बाकी जो प्रमोटेड छात्र बच रहे हैं वो है 4,680, जो कि प्रमोटेड हो गए थे पार्ट वन में 2019-22 सेशन में, वो सभी ने भी जो अपना परीक्षा फॉर्म भर लिया है। अगर आप में से भी कोई ऐसे हैं जो कि फॉर्म नहीं भरे, वो नीचे बेशक कमेंट कर सकते हैं और बातों को जो दिल पे लेने की नई कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि अब आगे डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन देखना रहेगा कि डेट बढ़ाई जाती है कि नहीं बढ़ाई जाती है। फिलहाल एडमिट कार्ड बनने का कार्य जो है शुरू होने वाला है यूनिवर्सिटी में, और एडमिट कार्ड बनकर के आपके कॉलेज के प्रचारक आईडी पे भेजा जाएगा और उसे प्रिंट करके आप लोगों को दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड जो मिलता है वो परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले मिलता है। अब बात आती है कि परीक्षा का कार्यक्रम कब जारी किया जाएगा, तो परीक्षा का कार्यक्रम अगले हफ्ते जारी किया जा सकता है या फिर इस हफ्ते के आखिर तक रविवार तक जो है जारी किया जा सकता है कि आपकी परीक्षा कब से शुरू कराई जाएगी, किस किस सिटिंग में आपकी परीक्षा होगी और कितने ग्रुप्स में जो है आपके सब्जेक्ट बांटे गए। परीक्षा सब्जेक्टिव होने वाली है, इसके लिए आपको जो है गेस पेपर प्लस क्वेश्चन बैंक का जो है हेल्प जरूर से जरूर लेना चाहिए। क्वेश्चन बैंक इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो है आपको प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चंस आपके सीनियर बैच के स्टूडेंट से जो पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसके आंसर आपको जो है खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। तो जिन छात्रों ने भी अभी तक के क्वेश्चन बैंक को नहीं परचेस किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर के परचेस कर लेंगे। आपको PDF फॉर्मेट में आपके ईमेल पर रिसीव हो जाएगा क्वेश्चन बैंक का लिंक, और वहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपना जो है सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप देख लेंगे कि आपका क्या क्या सवाल जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आंकड़े जो है बता दिए गए हैं कि कितने कितने फॉर्म्स जो भर लिए गए हैं। तो जैसा कि आज का आप ये रिपोर्ट देखेंगे, BRA बिहार BB में 14,000 छात्र पार्ट वन की परीक्षा फॉर्म जो है नहीं भरे हैं। BB ने जो है मंगलवार को पार्ट वन परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों का सूची तैयार कर लिया है। 86,638 नियमित छात्र और 4,680 जो है प्रमोटेड छात्रों ने जो फॉर्म भरा है। BB के UMIS कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर TKD ने जो है बताया है कि विज्ञान में जो है 12,244, कला में जो है 67,470 और कॉमर्स में जो है 6,924 छात्रों ने जो परीक्षा फॉर्म भर लिया है। फॉर्म भरने की जो तारीख अब बढ़ाने पर जो है कोई विचार नहीं किया जा रहा है। BB ने जो है 3 बार परीक्षा फॉर्म भरने की जो तारीख बढ़ाई थी, 30 अप्रैल जो है परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तिथि जो है रखी गई थी विलम्ब शुल्क के साथ। तो फिलहाल अभी कोई प्लान है नहीं यूनिवर्सिटी का परीक्षा फॉर्म भरने के डेट्स का। अगर कोई कॉलेज सामने निकल करके आती है, कॉलेज के द्वारा जो है दबाव बनाया जाता है कि कुछ ऐसे छात्र बच गए जिनका परीक्षा फॉर्म भरना बाकी है, तो शायद कहीं 1-2 दिन का जो टाइम दे दिया जाएगा। और अभी फिलहाल जो एडमिट कार्ड बनने का कार्य शुरू हो गया है, तो अब जो भी स्टूडेंट बच रहे हैं वो नीचे कमेंट फिर से कर सकते हैं और अपने कॉलेज जा सकते हैं। इसके बाद जो है कहीं डेट अगर मिलती है तो अपना फॉर्म भर ले। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।